अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ मेलाना एचएस सीरम का रिव्यू शेयर करूंगी। एडवांस स्किन ट्रीटमेंट है ये, हील करता है इरिटेशन को। आपकी स्किन जो इरिटेटेड होती है उसे हील करता है, रिटेन करता है और ऐड करता है मॉइस्चराइजर को और मिनिमाइज करता है डिहाइड्रेशन को, और आपके स्किन को टाइट करता है, रिड्यूस करता है फाइन लाइंस को। इसके अंदर हेलोरोनिक एसिड मौजूद है जो कि रिड्यूस कर रहा होता है स्किन के रिंकल्स को और फाइन लाइंस को, रिड्यूस कर रहा होता है स्कारिंग्स को और स्किन को जो ज़्यादा स्मूथ बना रहा होता है ये। और ये वाला जो सीरम है वो ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। क्वांटिटी इसकी 30 ml है और इसके अंदर वाइटामिन B5 मौजूद है जो कि आपके स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी बना रहा होता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी काम कर रहा होता है। ये सीरम जो है वो आपके स्किन के टिश्यूज को रिपेयर कर रहा होता है और ये एंटी एजिंग भी है। इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर सारे मेंशन है और मैन्युफैक्चर बाय क्रिस्टोलाइट फार्मास्यूटिकल्स हेल्थ केयर डिवीजन। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी इसके ऊपर मेंशन है और प्राइस इसके अराउंड 2200 है और इस पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आपको इसको स्टोर करना है कूल और डार्क प्लेस में। यूज करने का इसका बहुत आसान तरीका है, आपने जो है वो 5 से 7 ड्रॉप्स इसकी लेनी है, फेस पे और नेक पे लगानी है, फिंगर टिप्स यूज करनी है ताकि आप मॉइस्चराइजेशन को बूस्ट कर सकें। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने आपसे ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बिना पे शेयर किया है, मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ये अवेलेबल होता है ऑनलाइन भी और आप इसे किसी लोकल स्टोर से भी ले सकते हैं आराम से। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, इसकी बॉटल इस तरीके की है, इसकी कंसिस्टेंसी में दिखा देती हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट हाफ से भी कम रह गया है, इसकी कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है, वाटरी। और इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होती है, ये बिल्कुल स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली। आपने इसे क्लीन स्किन पे लगाना और बिफोर सनस्क्रीन या मेकअप मॉर्निंग में लगाना है, सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।